हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2, जिसका नाम था इलास्टिक कांस्टेंट एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना। तो प्यारे बच्चों, इलास्टिक कांस्टेंट में हमने सारे इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में आपको हमने बताया। तो आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। जितने भी हम इलास्टिक कांस्टेंट पढ़े हैं, इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से पढ़े हैं प्यारे बच्चों, आपका हम पढ़े हैं यंग्स मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, शियर मॉडुलस एंड आपका बल्क मॉडुलस पढ़े, है ना। तो इन चारों में रिलेशन आपस में क्या है, तुम चारों मतलब रिलेशन हम देखेंगे, है ना। तो रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, तो पहले बच्चों पहला जो आपका फॉर्मूला है वो आप देख रहे हैं, ई बराबर 3K1 - 2μ, ई बराबर 3K1 - 2μ। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के क्या है, बल्क मॉडुलस, म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो, ठीक है ना। चलिए दूसरा रिलेशन है प्यारे बच्चों, ई बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू, ई बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू। ई क्या है प्यारे बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी क्या है, शियर मॉडुलस, म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो। चलिए तीसरा हम देखेंगे रिलेशन, तीसरा रिलेशन है E = 9kg / 3k + g, 9kg / 3k + g। यहाँ पे सारा तो डाटा आप जान ही रहे कि कौन कौन से क्या है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, μ = 3k - 2g / 6k + 2j। प्यारे बच्चों, ये चारों रिलेशन आपको कंठस्थ याद रखना है, ताकि आपके सेमेस्टर एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दो नंबर एकदम कंफर्म होता है, दो नंबर एकदम कंफर्म आएगा, दो ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस याद रखिएगा जो हम बात बोल रहे हैं, एकदम 100% आएगा, दो क्वेश्चन इस ऑब्जेक्ट मतलब इस चारों रिलेशन से कंफर्म आता है। तो चारों रिलेशन आपको कंठस्थ याद रखना है, और हम इसमें से 2-3 रिलेशन आपको क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, ताकि प्रूफ आता है 6 नंबर या 4 नंबर में प्रूफ करने भी आता है, तो सारे को प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए अब ऑब्जेक्टिव आता कैसे है प्यारे बच्चों, वो हम दिखाते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इफ पॉइजन रेशियो इज 0.25, देन यंग्स मॉडुलस इज, पहला ऑप्शन होगा 3K, दूसरा ऑप्शन होगा 1.5K, तीसरा ऑप्शन होगा 1.25K, और चौथा ऑप्शन है K। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स उठाने के लिए, ना। इफ पॉइजन रेशियो इज 0.25, दैट मींस प्यारे बच्चों आपको क्या दिया गया है, म्यू बराबर आपको दिया गया है कितना, 0.25। और क्या बोल रहा है, देन यंग्स मॉडुलस इज, यंग्स मॉडुलस मतलब आपको यंग्स मॉडुलस दिया, मतलब यंग्स मॉडुलस पूछ रहा है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन क्या है, के टर्म में, मतलब बल्क मॉडुलस के टर्म में, बल्क मॉडुलस के टर्म में, बल्क मॉडुलस के टर्म में है प्यारे बच्चों। तो हम देखेंगे म्यू ई और के में क्या रिलेशन है, क्योंकि म्यू दिया हुआ था, ई के बारे में पूछ रहा है, और के टर्म में दिया हुआ है, ई मी म्यू ई और के में क्या रिलेशन है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां रिलेशन, तो ई बराबर 3K1 - 2μ। तो प्यारे बच्चों 3K1 - 2, अब म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.25। तो देखिए प्यारे बच्चों, 3K1 - 2 × 0.25, 0.5, और 1 में से 0.5 जाएगा तो भी 0.5, तो 3 × K × 0.5, दैट मीन्स 1.5K। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन, रिलेशन 100% आएगा, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो
प्यारे बच्चों दो और ऑब्जेक्टिव आप लोग बनाने का कोशिश की। ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, या तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आएंगे, चाहे आपको डायरेक्ट रिलेशन पे मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, ठीक है ना। तो आपको कंठस्थ फॉर्मूला रखना है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिएगा। इफ द पॉइजन रेशियो, पहला क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पॉइजन रेशियो दिया हुआ है कितना, 0.5। यंग्स मॉडुलस भी पूछ रहा है, फिर से यंग्स मॉडुलस पूछ रहा है। यंग्स मॉडुलस किस टर्म में पहले बच्चों, देखिए आपका जी के टर्म में है, तो इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ई जी और म्यू वाला ये फॉर्मूला लगाइए। तो ई बराबर पहले बच्चों 2g1+μ, तो 2g1+μ का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, तो 1+0.5 कितना हो जाएगा, डेढ़ दुनी 3, तो 3g, तो ई बराबर आपका हो जाएगा 3g, तो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों पहला। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन प्यारे बच्चों। चलिए दूसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ द शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस बोथ आर यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, शियर मॉडुलस भी 1 है और बल्क मॉडुलस भी 1 है, शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस दोनों 1:1 है, देन यंग्स मॉडुलस ही। तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों ईकेजी में रिलेशन, ईकेजी तो देखिए प्यारे बच्चों ये रिलेशन लगेगा ईकेजी, तो प्यारे बच्चों ई बराबर आपका होता है 9kg/3k+g, k और g दोनों का वैल्यू 1:1 रखे तो 9×1×1/3×1+1, तो ऊपर हो जाएगा 9 3+1 4, 9/4, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। तो प्यारे बच्चों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ भी आता है, ठीक है ना, इसके प्रूफ को आएगा कि चलिए बल्क मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो में रिलेशन एस्टेब्लिश करें, 4 नंबर या 6 नंबर में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों इस रिलेशन को प्रूफ करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, एक रिलेशन को प्रूफ करने जा रहे हैं। कौन सा रिलेशन, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट मींस यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है पहले बच्चों। तो ये इसका मतलब कौन सा पूछ रहा है, ई बराबर 3k1-2μ, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए बोल रहा है पहले बच्चों, ये फॉर्मूला प्रूफ करे। तो सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहला एक क्यूब बनाना है, सबसे पहले आपको एक क्यूब बना लेना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के बाद प्यारे बच्चों ट्राइएक्सियल स्ट्रेस लगाइएगा, कौन सा स्ट्रेस, ट्राइएक्सियल, ये हो गया सिग्मा एक्स, ये हो गया प्यारे बच्चों सिग्मा बाई, और इस डायरेक्शन में एक लगेगा सिग्मा जेड, अंदर भी लग रहा होगा सिग्मा जेड और बाहर भी। तो हमने क्या क्या किया प्यारे बच्चों, एक क्यूब लिया और क्यूब पे क्या लगा दिया, ट्राइएक्सियल स्ट्रेस लगा दिया। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले इस बात को लिख लेते हैं, ए क्यूब ऑफ साइड ए, ए क्यूब ऑफ साइड ए इज टेकन, पहले बच्चों हमने क्या किया, क्यूब लिया जिसका साइड कितना है, ए है, जिसका साइड कितना है ए है उसको लिया ना, एंड ट्राइएक्सियल स्ट्रेस सिग्मा एक्स, सिग्मा बाई एंड सिग्मा जेड आर एक्टेड इन एक्स डायरेक्शन बाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। देखिए मेरे बच्चों हमने क्या किया, एक क्यूब लिया जिसका कि साइड कितना है ए है, साइड कितना है ए है ना, और उसपे हमने क्या लगा दिया, ट्राइएंगल स्ट्रेस लगाया, सिग्मा एक्स, सिग्मा बाई और सिग्मा जेड। सिग्मा एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में हमने लगाया, सिग्मा बाई जो है बाई डायरेक्शन में लगाया, और सिग्मा जेड जो है जेड डायरेक्शन में हम लगाया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना चाहते हैं, देन
पहले भी निकाल चुके हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सेम है ना, फिर से उसको दोहरा रहे हैं, देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बटे वी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। हमने ये तो बोला है स्ट्रेन अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन और स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। चलिए अब हम अगर बात करें प्यारे बच्चों, पहले हम बारी बारी से तीनों निकाल कर जोड़ लेंगे ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए प्यारे बच्चों हम निकाल रहे हैं स्ट्रेन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में जो आपका सिग्मा एक्स लग रहा है इसके कारण लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, बाकी दोनों के कारण सिग्मा वाई और सिग्मा जेड के कारण लैटरल स्ट्रेन होगा। तो क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा तो सिग्मा एक्स बटे ई, और सिग्मा वाई में क्या हो जाएगा पॉइजन रेशियो, क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों लैटरल म्यू बराबर क्या होता है लैटरल स्ट्रेन बटे लीनियर स्ट्रेन। तो आपका लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन, म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन होगा। तो प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, हम निकाल रहे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो सिग्मा एक्स के कारण लीनियर स्ट्रेन बट सिग्मा वाई और सिग्मा जेड के कारण लैटरल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन, सिग्मा वाई के कारण कितना हो जाएगा सिग्मा वाई बटे ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड बटे। उसी तरीके से अगर स्ट्रेन इन बाई डायरेक्शन का हम बात करें तो बाई डायरेक्शन के कारण लीनियर स्ट्रेन बटे बाकी सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड के कारण लैटरल स्ट्रेन। तो सिग्मा बाई बटे ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बटे ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड बटे ई। अगर उसी प्रकार से हम स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन के बारे में बात करें तो जेड डायरेक्शन के स्ट्रेस के कारण लीनियर स्ट्रेन बाकी दोनों के कारण लैटरल स्ट्रेन होगा। चलिए होगा, अब हम क्या करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर हमको निकालना है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तीनों को ऐड कर देंगे। तो पहले तीनों को जोड़ दीजिए सिग्मा एक्स बटे ई प्लस सिग्मा वाई बटे ई प्लस सिग्मा जेड बटे, तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए एक्स वाला दो बार आया होगा एक दो बार, वाई वाला भी दो बार आया होगा, जेड वाला भी दो बार आया होगा। तो टू म्यू सिग्मा एक्स बटे ई माइनस टू म्यू सिग्मा वाई बटे ई माइनस टू म्यू सिग्मा जेड बटे ई। तो देखिए प्यारे बच्चों ये आपका हो गया जनरल फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू द ट्राइएक्सियल स्ट्रेस ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम यहां पे माने इफ सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा जेड बराबर सिग्मा, पहले जो हम ये मान रहे हैं कि सिग्मा एक्स का वैल्यू सिग्मा वाई का वैल्यू और सिग्मा जेड का वैल्यू सिग्मा के बराबर है, तो पहले बच्चों क्या हो जाएगा देखिए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर सिग्मा बटे ई माइनस प्लस प्लस सिग्मा बटे ई प्लस सिग्मा बटे ई माइनस टू म्यू सिग्मा बटे ई। अच्छा सब तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा छे, अच्छा पहले अभी लिख देते हैं तो देखिए प्यारे बच्चों हमने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की जगह पे सिर्फ सिग्मा लिख दिया। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा थ्री सिग्मा बटे ई माइनस सिक्स म्यू सिग्मा बटे ई होगा। थ्री सिग्मा बटे ई कॉमन ले लीजिए, थ्री सिग्मा बटे ई को अगर कॉमन लीजिएगा तो यहां बचेगा वन माइनस टू म्यू। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों, उसके बाद हम बताते हैं। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला जो है मिटा देते हैं प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन किए होंगे। देखिए प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला तो हम पहले भी ला चुके थे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर थ्री सिग्मा बटे ई वन माइनस टू म्यू, नहीं लाए थे क्या पहले भी, तो हमने बताया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में, तो ये फॉर्मूला हमने आपको लाया था ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों ई को इधर लेके चले जाइए, ई को इधर लेके चले गए तो थ्री सिग्मा बटे डेल्टा वी बटे वी, अरे डेल्टा वी बटे वी को यहां लाया और यंग्स मॉडुलस को यहां लेके चले गए तो वन माइनस टू म्यू।
चले प्यारे बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, बल्क मॉडुलस का डिफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों, बल्क मॉडुलस का डिफिनेशन क्या था, डायरेक्ट स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हमको पता है कि नहीं, पहले ही हम आपको डिफिनेशन दे चुके हैं बल्क मॉडुलस का, कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ना वो आपका बल्क मॉडुलस का है। तो बल्क मॉडुलस का है तो उसका वैल्यू रख दीजिए प्यारे बच्चों, तो E बराबर 3K1-। देखिए प्यारे बच्चों यही आपका पहला रिलेशन था क्या, पहला रिलेशन यही था क्या, आपका पहला रिलेशन यही था ना बल्क। देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो में क्या रिलेशन है उसको एस्टैब्लिश कीजिए। दैट मींस प्रूफ करने के लिए पूछ रहा था, तो हमने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। कोई प्रॉब्लम पहले बच्चों, कोई डाउट, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको भी। नोट डाउन हो गया प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों ये जो हम आपको प्रूफ करके दिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ जो है यही है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपका यही है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो प्रूफ है ना आपका यही है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्लास में हम आपको ये बताएंगे प्यारे बच्चों कौन सा दूसरा रिलेशन, दूसरा रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा रिलेशन भी बताएंगे कौन सा, दूसरा रिलेशन हम आपको बताएंगे E बराबर 2G1+μ। ये रिलेशन भी हम आपको अगले क्लास में हम प्रूफ करके देंगे। तो प्यारे बच्चों हमने अभी प्रूफ किया E बराबर 3K1-। पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को हमने प्रूफ करके दिखा दिया, और प्रूफ क्या, प्रूफ तो हमने पहले भी किया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में, यहाँ पे थोड़ा सा हेरा फेरी की हमने, है ना। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग करके देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं प्यारे बच्चों। फाइंड द बल्क मॉडुलस, फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इफ यंग्स मॉडुलस इज 200 GPa एंड पॉइजन रेशियो इज 0.5। क्या रहा प्यारे बच्चों, उस मटेरियल का बल्क मॉडुलस बताइए जिसका कि यंग्स मॉडुलस 200 GPa है एंड पॉइजन रेशियो 0.5 है। तो प्यारे बच्चों फिर से रिलेशन देखिए, आपको पूछ क्या रहा है, बल्क मॉडुलस दिया हुआ क्या क्या है, यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। दैट मीन्स पूछ रहा है बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो ये दोनों दिया हुआ है, 200 GPa एंड पॉइजन रेशियो दिया हुआ है 0.5। प्यारे बच्चों सबसे पहले रिलेशन, तो E और K और μ में रिलेशन क्या है, तुमको रिलेशन पता है, तो E बराबर 3K1-2μ, तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर दोनों को नीचे लेके चले आइए, E/3 1-2μ, तो K बराबर आपका हो गया प्यारे बच्चों E/3 1-2μ। E का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 200 GPa, 3 1-2, 0.5 के जगह पे 0.25 कर दीजिए प्यारे बच्चों, 0.25, तो K का वैल्यू आ जाएगा 200/3, 2 × 0.25, 0.5 1 में से 0.5 गया तो 0.5, 3 × 0.5, तो आपका टोटल आपका हो गया K बराबर 200/1.5। अगर हम काटने का कोशिश करें तो आपका हो जाएगा 2/3, ये आपका हो जाएगा 6/18, 60, तो K बराबर हो जाएगा 6×2 = 1, 6×12 = 3 = 1, 6×12 = 3 = 1, 133।
133.32 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल में हमने के ई का वैल्यू गीगा पास्कल में रखा था, तो के का वैल्यू भी गीगा पास्कल में आएगा, तो के बराबर आ गया 133.32 गीगा पास्कल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में आ सकता है इस रिलेशन पे। ठीक है ना, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे रिलेशन के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।